बीए बीकॉम बीएससी एमए एमकॉम करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स डीएवी पीजी कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं लाइव 10 न्यूज। बिहार में शराब पीने और बेचने को रोकने के लिए पुलिस ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है, लेकिन शराब पीने के शौकीन लोग इसे पीने और बेचने का कोई ना कोई नया तरीका निकाल ही लेते हैं। अब हाजीपुर में किताबों के बीच शराब रख कर होम डिलीवरी करने वाले गिरोह का भांडाफोड़ हुआ है। इस बात का खुलासा तब हुआ जब पुलिस को गुप्त सूचना के आधार पर चेकिंग के दौरान एक छात्र के बैग से शराब की बोतलें मिली। पता चला कि इस गिरोह में कई और छात्र भी शामिल हैं, जिनकी तलाश में पुलिस जुटी है। जानकारी के मुताबिक पकड़ा गया युवक पटना से सबसे अच्छे आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाई करता है। ये छात्र दिन के उजाले में बीपीएससी की तैयारी पटना के एक कोचिंग इंस्टीट्यूट से करता है और रात होते ही हाजीपुर में शराब की डिलीवरी करता है। युवक का नाम आशुतोष राज है, जो सोनपुर का रहने वाला है। इसको पुलिस टीम ने शराब की बोतलों के साथ पकड़ा है, जो एक बैग में रखकर स्कूटी से हाजीपुर डिलीवरी देने आया था। उत्पाद विभाग के द्वारा पकड़े जाने के बाद आरोपी आशुतोष राज पहले तो फूट फूट कर रोने लगा और फिर उसने बताया कि वो बेहद गरीब है। अपनी पढ़ाई को पूरा करने के लिए वो दोस्तों के झांसे में आकर शराब बेचने के धंधे में लग गया था। उसने उत्पाद विभाग को यह भी बताया था कि छपरा में जहरीली शराब कांड के बाद पुलिस ज्यादा सक्रिय है, इसलिए वो छपरा से शराब लेकर हाजीपुर बेचने आया था। उत्पाद इंस्पेक्टर अजीत कुमार ने बताया कि इसके अलावा कुछ और भी छात्र हैं जो पढ़ाई के साथ साथ किताबों के बीच बैग में शराब रखकर होम डिलीवरी करते हैं। उनकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास किया गया है और प्रयास आगे भी किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार युवक पटना के बोरिंग रोड स्थित एक नामी आईएएस कोचिंग संस्थान में बीपीएससी की तैयारी करता है और उसका साथ ही शराब की डिलीवरी का भी काम करता है। हालांकि गिरफ्तार युवक ने उत्पाद विभाग की टीम को बताया कि आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने की वजह से उसी कारण से वो कुछ दोस्तों के कहने पर इस धंधे में आया। फिलहाल पुलिस मामले में जांच कर रही है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।